वेलकम टू सी एस पी एल उमर खाजा। अच्छा, अभी लास्ट वीडियो में हमने नेहरू रिपोर्ट देखी, कैसे हिंदूज ने मुस्लिम्स को बैकस्टेप किया था, ठीक है, नए दिल्ली प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है, और इसे जिना का जो व्यू पॉइंट चेंज हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं हमने जिना के 14 पॉइंट्स 1929 में आए थे, ठीक है। डेट्स लाजमी याद रखिएगा क्योंकि पेपर में 20 नंबर के फिलिंग द ब्लैंक्स आनी है और 10 फिलिंग द ब्लैंक्स होंगी 20 नंबर्स की, 20 मार्क्स की, और हर फिल्म में दो आपको पोर्शन फिल करने हैं। तो उसमें लाजमी एक पोर्शन लाजमी अक्सर अगर आप पास पेपर देखेंगे तो डेट्स लाजमी आई हुई हैं, तो आपने डेट्स नहीं बोलने हैं, ठीक है, ईयर्स और डेट्स दोनों मिला के, ठीक है। जिना 40 पॉइंट्स की बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, जी मैंने अभी बताई, नेहरू रिपोर्ट का दिल्ली प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया, नेहरू रिपोर्ट दे दी और जिसमें जिना का व्यू पॉइंट चेंज हो गया, ठीक है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब जिना 14 पॉइंट्स ने क्या किया था कि नेहरू रिपोर्ट की रिटेलिएशन में ये पेश किए थे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन पे चल रहे थे कि इन्होंने नेहरू रिपोर्ट के रिटेलिएशन में 14 पॉइंट्स दिए और इन 14 पॉइंट्स में उसने मुस्लिम की सारी जो डिमांड्स थी, सारी डिमांड्स ओवरऑल, ठीक है, उन 14 पॉइंट्स के अंदर उसने सारी जिना साहब ने सारी की सारी डिमांड उन्होंने पेश कर दी, ठीक है। अब उसके सेलिंग फीचर्स में 14 के 14 पॉइंट्स नहीं लिखूंगा, पेपर में नहीं आएगा कि 14 के पॉइंट्स आप लिखें, जिना के 14 पॉइंट्स क्या थे, वो उससे रिलेट करके पूछेगा। तो उसमें पहले सेलिंग फीचर सुन लें। सेलिंग फीचर ये था कि सिंध को सेपरेटेड प्रोविंस बनाओ, ठीक है, सेपरेट इलेक्शन करो, 1% रिप्रेजेंटेशन दो, 3/4 वोट जो होगा चेंज अफेक्टिंग माइनॉरिटी के लिए, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के राइट सिर्फ मुस्लिम्स के नहीं, सारी माइनॉरिटीज़ के राइट होंगे, बलोचिस्तान को सेपरेट प्रोविंस बनेगा, ठीक है, 1/3 रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, ये एक सैलिंग फीचर्स है। अब सारे जो भी आपके माइंड में है ना, जो जो अभी शुरू से चलते हैं सारे इसमें डाल दें, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, टू नेशन TNT, टू नेशन थ्योरी, ठीक है, कि डायरेक्टली प्रोपेगेट कर दिया था टू नेशन थ्योरी को उसने 14 पॉइंट्स पर, अब इनसे अलग हो गए, ठीक है, डायरेक्ट बता दिया था कि भाई ये हमारे पॉइंट्स हैं, हम उनसे अलग हो रहे हैं, ठीक है, हमें ये चीज़ सही है। जिना का व्यू पॉइंट रिकॉग्निशन का इसमें फिर चेंज हो गया, ठीक है, मतलब चेंज हो गया था, और जिना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को सुपर हेड करना शुरू कर दिया, ठीक है, मेजर पार्टी बन गई थी। ये हमारे जिना के 14 पॉइंट्स थे, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड स्टोरी में क्या था, दिल्ली प्रपोजल्स और नेहरू रिपोर्ट थी, उसने दिल्ली प्रपोजल्स में दोनों यूनाइट हुए थे, लेकिन नेहरू ने अपने नेहरू रिपोर्ट जो थी 1928 में, ठीक है, उसको बैकस्टेप किया, मुस्लिम को मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है, उनकी डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया था, तो इसे जिना का व्यू पॉइंट चेंज हुआ, उन्होंने इसके रिटेलिएशन में 14 पॉइंट्स दिए, साइलेंट फीचर्स सारी उसकी डिमांड्स, ठीक है, सिन सेपरेट फ्रॉम सेपरेट इलेक्शन 1/3 वगैरह, ठीक है, सारा कुछ। फिर उसकी इंपॉर्टेंस में टू नेशन थ्योरी में उसने डायरेक्टली प्रोपेगेट किया था टू नेशन थ्योरी को, ठीक है, कि हम अब अलग कौम हैं इनसे, जिना का व्यू पॉइंट चेंज हो गया था और जिना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को सपरेट करना शुरू कर दिया था। तो ये जिना के 14 पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस मैंने बताई आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अलाहाबाद एड्रेस करूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।